हेलो स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट मैंने करवाया नहीं आपको, मैंने कहा था कि आप ट्राई करना, ठीक है? तो आप ये ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे बता देना और चाहे कॉल करके बता देना, मैं आपको ये पार्ट करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए अब आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसके अंदर वो क्या कह रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स, हमें ये नंबर्स को चेक करना है गिवन इन द ऑर्डर जो कि एक ऑर्डर में दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। फॉर्म अ प्रोपोर्शन और नॉट, क्या ये प्रोपोर्शन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वी हैव टू चेक इट, ठीक है? तो प्रोपोर्शन बनाने के लिए आपको कंडीशन पता है क्या होनी चाहिए, फर्स्ट दो का रेशियो लास्ट दो के रेशियो के क्या होना चाहिए इक्वल, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है? कैसे करेंगे? फॉर चेकिंग प्रोपोर्शन सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम एलएचएस की बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं, चेक करना है ना, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करते हैं, एलएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 6.62, इसका मल्टीप्लाई कर देते 6.12, 6.3, ठीक है, 43.2। नाउ आरएचएस की बात करें, आरएचएस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब विचुअल दो वैल्यूज 9.6 × 4.5, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते 9.6 × 4.5 को, ये भी आपको क्या बन रहा है 43.20, या भी 20 है ना, 43.2 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू लास्ट जीरो की वैल्यू कम हो जाती है ना, कम क्या होती नहीं है। तो देखो सिंस डायरेक्ट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही कर देते हैं, ही लिखे तो सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर दीज दीज फोर वैल्यू फॉर्म प्रोपोर्शन, तो ये क्या बनाती है, प्रोपोर्शन बनाती है, ठीक है, ठीक है, दीज फॉर्म प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड का ए पार्ट हो गया उधर, ठीक है। चलिए अब सेकंड का बी पार्ट करते हैं, सेकंड के बी में क्या है, देखिए 3 and 1/2 3 × 2/5 3.05 एंड कॉमा 3.04, ठीक है। हमें ये चेक कर रहे हैं क्या ये चलिए
देखिए तो फॉर चेकिंग प्रपोर्शन अब जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एलएचएस की बात करें एलएचएस में है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम्स ये बात है ठीक है। तो देखिए इसको मैं एक और वैल्यू लिख सकता हूं ये फ्रैक्शन में भी बन सकती है ठीक है इसको फ्रैक्शन भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये देखो 3.5 हो जाएगी ठीक है ये क्या हो जाएगी 3.5 क्यों 3.5 की वैल्यू क्या होती है 3.5 होती है तो इसको मैं 3.5 भी लिख सकता हूं ठीक है। और ये 3 and 2 by 5 ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4 तो 3.04 हो जाएगी ठीक है 3.4 चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं चलिए। तो लीजिए इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.04 ठीक है इनका मल्टीप्लाई करना है चलिए। या फिर अगर इसका एक और सिंपल मेथड हो बेटा लेट अस चेक इट आउट ठीक है लेट अस बिकम 7/2 एंड दिस विल बिकम 3.04/100 गॉट इट ओके ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इजी तरीके से करते हैं ठीक है इसको हम इसमें थोड़ा नहीं करेंगे पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लगेगा हम फ्रैक्शन में करके देखते हैं इसे देखिए ठीक है। तो 3.5 का मतलब 3 × 6 + 1 = 7/2 ठीक है ये 5 × 3 = 15 और 2 × 17 = 5 ठीक है। और 3.5 की बात 3.05 की बात करें तो 305/100 और इसका 304/100 क्योंकि दो पॉइंट जैसे रहेंगे नीचे क्या जाएगा 100। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करें 7/2 मल्टीप्लाई बाय 304/100 ठीक है 2 से इसको कट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अब यहां मत कीजिएगा 304 वैसे का वैसे और 2 को यहां रहने दीजिएगा तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 304/100 इसे आप ऐसे कट कर दीजिए 152 ठीक है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा तो 1064 के डिवाइड में क्या आ गया होगा 100 तो ये बन गया 10.64 ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दीजिए ताकि हमें और स्पेस मिल जाए। एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है 17/5 मल्टीप्लाई बाय 305/100 ये 5 से कट जाएगा 17/5 मल्टीप्लाई बाय 305/100 ठीक है। तो 5 से जब इसको कट करेंगे 61 अब 17 को 51 से मल्टीप्लाई करें ठीक है 17 × 17 = 0 ठीक है। तो ये बना 10.37 क्या लिखेंगे देखिए एलएचएस की है आरएचएस की सिंस LHS is not equal to RHS, therefore these numbers do not form proportion. तो ये नंबर क्या नहीं बनाते हैं प्रोपोर्शन नहीं बनाते हैं ये नंबर प्रोपोर्शन नहीं बनाते हैं ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं अनुभव इसका लास्ट। आंसर अगर हम डायरेक्ट पॉइंट्स में करें तो भी बनेगा, लेकिन उससे मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया है ना। अब सी पार्ट में देखना हमें क्या दिया हुआ है, 1/7, 2/5, 3/6, 8/9। और चेकिंग प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन चेक करते हैं। सेंस वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is always equals to product of means। देखिए दिस वन LHS की बात करें, हाँ जी, product of extremes 1/7 × 8/9, 1/7 × 8/9, this will become 1 × 8 divided by 63। And RHS की बात करें, that is product of means, लीजिए 2/5 multiplied by 15/6, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 6, 3 × 15 × 5 × 15, तो ये बेटा क्या बन गया हमारे सामने, एग्जैक्टली 1:1 बन गया। ठीक है, 1:1 का मतलब हो गया 1। ठीक है, अब 8/63 और 1 आपस में इक्वल तो है नहीं, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दीज नंबर्स do not form proportion। proportion ही check करना है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। लीजिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।